हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच कीजिए। साल भर से बना रही हूँ, कोई प्रोसेस ही नहीं है। हर इट डजंट मैटर। मैं आपको ये बताने आई थी कि अब से 2-3 दिन पहले मेरा छोटा बेटा है, 1.25 साल का है। वो हमारा पलंग है, मीन्स ऊँचा है। हमने पलंग के नीचे डबल बेड के पलंग के नीचे दो दो ईंटें लगा रखी हैं, तो मेरा बेटा उसके ऊपर खेल रहा था। और उसकी तो दादी है, रात के टाइम पे 8-9 बजे का 9 बजे का टाइम था। मैं किचन में खाना बना रही थी, उसकी दादी के हाथ में मैंने पराठा दिया था। मेरा 1.25 साल का लड़का है, छोटा लव्यांश, उसको खिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा खा लेता है। तो वो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे बच्चे को, छोटे वाले को, खिला रही थी पराठा। बट हुआ ऐसा था कि वो पराठा खिला रही थी, तो खिलाते खिलाते पता नहीं कैसे उनकी आंख लग गई। और मेरा बेटा खेलते खेलते किनोरी पे आ गया, और किनोरी पे आकर पता नहीं कैसे धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी इतनी तेज़ सर पे लग गई थी, यहाँ पर इतना मोटा उसके घुमड़ा पड़ गया, इतना एकदम से तेज रोया। और वो गिराते थे तेज आवाज आई, क्योंकि पलंग हमारा बहुत ऊँचा है वो, और उसके ऊपर दो दो ईंटें भी लगा रखी हैं, तो पलंग और ऊँचा हो गया है। तो उसकी बहुत तेज लग गई थी सर पर। मैं किचन में काम कर रही थी, तो एकदम से जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड, इतनी देर आवाज आई है, वो गिरा है। देखा एकदम से जाकर उसको गोद में उठाया मैंने, उसकी बहुत तेज लग गई थी। उसको चुप कराया, बहुत रो रहा था, बहुत रोया। फिर बड़ी मुश्किल से वो चुप हुआ, वो चुप करके फिर वो खेलने लगा। बट मैं यही कहूँगी दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि इसमें किसी की गलती है, बट यही है कि बच्चों का ध्यान रखो। बहुत मतलब सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी वाला काम है वो बच्चों का ही है, और कोई काम नहीं है। बाकी काम तो फिर भी हो जाता है, लेकिन जो बच्चों के काम है भाई, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कब कहाँ आ जाते हैं, अगर बच्चों के पैर हो जाए, वो चलने वाले हो जाए, तो फिर उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कभी भी कहीं भी पहुँच जाते हैं, गिर जाते हैं बहुत जल्दी, भगवान ना करे कभी लग जाए इनके, तो मुसीबत पेरेंट्स को ही होती है। पेरेंट्स की सारी कोई परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। मेरा बेटा इतना शैतान है, छोटा सा, छोटा वाला, हालांकि अभी वो पैदल नहीं चलता, 1.25 साल का है, तो वो घुटनों ही चल चल के हमारे इस कमरे में आ जाता है। 2 रूम हैं हमारे, वो उस रूम में पलंग पर से गिर गया तो वो यहाँ आ जाता है। और अगर हमारा कूलर चल रहा होता है तो आता है, इसकी पंखुड़ियों में हाथ डालता है, कूलर में अपना हाथ डालने लग जाता है। बहुत डर रहता है उसका, इसलिए हम इसका गेट लगा के ही रखते हैं अधिकतर में। वो तो शुक्र है कि वो हाथ डाल देता है तो उसका अंदर तक जा नहीं पाता, बट फिर भी डर रहता है कि कूलर से करंट वरंट ना आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए। वो हर बार ऐसे ही उठपटांग हरकतें करता है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ उसको देख देख के। कभी यहाँ पकड़, कभी वहाँ पकड़, कूलर में हाथ डाल के खड़ा हो जाएगा, पता नहीं उसे कौन सी हवा लगती है हाथों में, कूलर में हाथ डाल के खड़ा हो जाता है। बहुत मतलब पकड़ना पड़ता है उसको, देखना पड़ता है उसको। और ऐसे हमारे दो स्विच नीचे हैं, तो आएगा बटन चालू बंद चालू बंद चालू बंद, स्विच ऑन ऑफ ऐसे करेगा। उसके जो स्विच के वो होते हैं, जो हॉल बने होता है, उसमें हाथ डालेगा, उसको भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको इतनी बार रैक कर दिया है मैंने स्विच को भी, तो उसकी चिप्पी हटा देता है, टेप चिपका देती हूँ, टेप हटा देता है उसके ऊपर से, एकदम परेशान हो जाती हूँ। बाथरूम में बाल्टी रखी होती है, बाथरूम में चला जाएगा, घुस जाएगा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बाल्टी पकड़ के पानी में थप 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 करता रहेगा, पानी से खेलेगा, पानी अपने ऊपर डाल देगा, गीला कर लेगा खुद को। कमरे में कोई भी चीज़ रखी होगी, बच्चों को कोई मतलब नहीं होता कि वो गर्म है ठंडा है क्या, उन्हें समझ तो होती नहीं। देखा नहीं, बस उठाया पटक दिया, उठाया पटक दिया, पानी है उल्टा कर दिया, कुछ भी चीज़ रखी है, जूस, शरबत, चाय, कॉफ़ी, उठाएगा ग्लास उल्टा कर देगा, काम बढ़ाता रहता है काम, और उसके पास कोई काम नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि बच्चों का ध्यान रखें आप लोग भी, छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कब क्या कर लेते हैं कुछ नहीं पता। और बच्चों के सामने हमेशा तरीके वाली ही चीज़ करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें कैच करते हैं। हम सोचते हैं 1-1.25 साल के बच्चे हैं, ये क्या समझते होंगे, इनको क्या अक्ल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 1-1.25 साल के बच्चे बहुत शातिर दिमाग के होते हैं, बहुत तेज होते हैं, ये आपकी हर एक हरकत को नोट करते हैं, आप क्या करो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, और फिर उन्हें आपको करके भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कभी ना कभी आपको करके भी दिखाएंगे। मेरा लड़का ऐसी है, ऐसी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ शाम को, तो मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक लड़की मेरे छोटे वाले बेटे को ऐसे 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 करके दिखा रही थी आइस को, तो
ये समझ लो उसने एक दो बार किया होगा, उस दिन उसके बाद तभी ने वो चीज़ कॉपी कर ली, और तब से लेके अब तक कोई भी चिल्लाता है करता है तो वो ऐसे ऐसे करके आइस को ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करके नौटंकी करता है, हंसता है कि सामने वाला उसको डांटता है तो उसको फोड़ता है वो, कि उसको कोई डांटे ही नहीं, उस ऐसी हरकतें करता है तो सामने वाले को भी हंसी आ जाती है, हम लोगों को भी हंसी आ जाती है, तो हम उसको डांटे नहीं पाते हैं। मतलब बहुत बच्चे नौटंकी हो गए हैं आजकल, कुछ कह नहीं सकते, बट मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, और छोटे बच्चे जिसके घर में हैं वो खासकर उनकी एक्टिविटी को देखो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके समय तरीके से हर एक चीज़ करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी नोटिस करते हैं, और उनका ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चे घुटने चलने लग जाते हैं, पैर चलने लग जाते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू गाइस, बाय।